हाय गाइस, आज के वीडियो में हम बनाएंगे दीस ट्रेंडी रफल कर्टन्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो आपके एग्जिस्टिंग कर्टन्स हैं उनका मेजरमेंट्स ले लें। देन किसी भी लोकल स्टोर से आपके कर्टन्स से डबल लेंथ का फैब्रिक ले लें। देन आपकी कर्टन्स की लेंथ से 3-4 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर उसको कट कर दें। नेक्स्ट जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको आप 6 इक्वल सेक्शंस में कट कर दें। इन 6 पीसेस के हम 3 रफल लाइंस बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द स्टिचिंग प्रोसेस। सबसे पहले हमें जो कर्टन होल्ड करने वाला रॉड होता है उसके लिए स्पेस बनाना होगा। इस फैब्रिक को आप ऊपर से थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे स्टिच कर दें और कर्टन के बॉटम को एक फिनिश लुक देने के लिए हम सिमिलरली ऊपर वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे, बट इस बार हम उसको कम लेंथ के लिए फोल्ड करेंगे। हमने जो रफल्स बनाने के लिए 6 पीस ऑफ फैब्रिक काटा था उसके आप 3 पेयर्स बना दीजिए। इन्हें हम लेंथ वाइज इसलिए स्टिच कर रहे हैं बिकॉज जब हम रफल्स बनाएंगे तो इनकी लेंथ छोटी हो जाएगी। देन इन रफल्स के बॉटम को भी फिनिश लुक देने के लिए हम सेम कर्टन के बॉटम वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर स्टार ऑफ द शो, द रफल्स। इसके लिए आपको एक सुई या नीडल की हेल्प लेनी होगी। आप अपने नीडल में फैब्रिक के सेम कलर का एक थ्रेड लगाएं। आपको फैब्रिक के एक एंड से दूसरे एंड तक नीडल को लेकर जाना है, ऐसे ज़िगज़ैग पैटर्न फॉर्म करते हुए। देन हम रफल्स को अपने कर्टन पे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। पहले आपके कर्टन का फ्रंट साइड लें, देन आपके रफल्स को अपसाइड डाउन करके आपके कर्टन्स पे स्टिच कर दें। ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस है क्योंकि आपको थ्रू आउट रफल की डेंसिटी को मेंटेन रखना है। इन केस आपको स्टिचिंग ना आती हो, आप स्टिच करने की जगह फैब्रिक ग्लू से इनको स्टिक भी कर सकते हैं। Luckily, I had my mom who helped me execute this DIY beautifully. So, as soon as you complete the first layer of ruffles, आप उसी के ऊपर second और third layer similar way में लगा दें। At last, सारे रफल्स को सीधा कर दें एंड योर 3 लेयर रफल कर्टन्स आर रेडी।